बहराइच के महसी में फर्जी तरीके से 80 वर्षीय बुजुर्ग जुम्मन को मृत घोषित करके उनकी जमीन कब्जाने का मामला प्रकाश में आया है। जब तहसील दिवस के दिन तहसील महसी में जुम्मन ने पहुंचकर जिलाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई तो जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद द्वारा मामले में तत्काल एक्शन लेकर अधिकारियों की टीम बना मामले की जांच शुरू की गई। इस जांच में कागजों में मर चुके जुम्मन पूर्व गफूर को जिंदा पाएगा। जिलाधिकारी द्वारा जमीन से अवैध कब्जे को हटवा कर जुम्मन को कब्जा दिलाया गया। लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा जुम्मन पुत्र गफूर को जिलाधिकारी कार्यालय बुलाकर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र द्वारा खतौनी दी गई और कंबल भी दिया गया। आगे भविष्य में उनके साथ ऐसा न हो इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा चेताया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा बताया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश, हर पीड़ित को इंसाफ मिले, किसी के साथ गलत ना हो। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट। ये अभी 21 जनवरी 2022 को तहसील महसी में संपूर्ण समाधान दिवस था। 80 वर्ष से अधिक आयु का जुम्मन पुत्र गफूर व्यक्ति मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुआ। उसने बताया कि वर्ष 2019 में उसको मृतक दिखाकर उसकी जमीन जो लगभग 0.34 हेक्टेयर थी, उस पर कुछ लोगों ने नाम दर्ज कराकर उसको बेचने की साजिश की जा रही है। मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने इस पर 2 नायब तहसीलदारों को मौके पर भेजा और जांच कराई गई। पुष्टि हुई कि जुम्मन अभी जिंदा है, जो मेरे सामने खड़ा था। तत्काल संज्ञान लेते हुए उसकी ज़मीन को पुनः उनके नाम दर्ज कराया गया। वो इतना भयभीत था कि यहाँ मुख्यालय पर भी अपनी खतौनी लेने नहीं आ रहा था, डरा हुआ था। उसको बुलाया गया कि जिलाधिकारी ने बुलाया तो वो आया, उसको खतौनी याद दी गई, साथ में कंबल भी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं कि शिकायतों का गुणवत्तापरक ढंग से निस्तारण हो, त्वरित निस्तारण हो और न्याय मिल सके, उस दृष्टि से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मुझे भी प्रसन्नता है कि एक मृतक व्यक्ति की जो मतलब जीवित व्यक्ति को मृतक दिखाकर जमीन हड़पने की प्रयास था उसको मैंने दुरुस्त किया। संबंधित लेखपाल के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और यह भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि पुनः उसके साथ कोई इस प्रकार का हादसा ना हो।